हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो आज मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट का रिप्लाई दे रहा था, तो एक भाई का मैसेज आया था कि भाई ओपन सीडीसी और जो जीपी रेटिंग लड़के करके जो सीडीसी निकाल रहे हैं वो दोनों में डिफरेंट क्या, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मेरी ओपन सीडीसी है कि मैंने जीपी रेटिंग करके सीडीसी निकाला है। वो तो सेम देखने में एक ही लगता है, तो हम लोग को कैसे डिफरेंट पता चलेगा उसका, क्योंकि जो लड़के एसटीसी डिब्लू करके निकाल रहे हैं उनकी भी सीडीसी और जो लड़के जीपी रेटिंग करके निकाल रहे हैं उनकी भी सीडीसी सेम ही हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है और कैसे आप पहचानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा ही इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और मेरा दूसरा चैनल है अंसारी जीएस एकेडमी, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ओपन सीडीसी की बात करें तो ओपन सीडीसी कहने का मतलब है 700 रुपये वाली सीडीसी। ये मत समझिए कि ओपन सीडीसी कह दें तो 700 रुपये, जीपी रेटिंग वाली सीडीसी कह दें तो 700 रुपये, मैरीन इंजीनियरिंग वाली सीडीसी कह दें तो 700 रुपये, कैडेटशिप वाली सीडीसी कह दें तो 700 रुपये। कोई भी आप सीडीसी अप्लाई कीजिएगा सबका चार्ज 700 ही रुपये लगता है। अगर आप 4 साल का बीटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग करते हैं तब भी आप सीडीसी अप्लाई कीजिएगा, तभी भी आपको 700 रुपये ही लगेगा। कोर्स का फी 4 लाख रुपया लगे पर ईयर का या 20 लाख रुपया लगे, वो अलग बात है, लेकिन सीडीसी जब अप्लाई कीजिएगा तो 700 रुपये लगेगा। आप एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करके भी सीडीसी अप्लाई कीजिएगा तो 700 रुपये लगेगा, और अगर आप जीपी रेटिंग भी करके भी अप्लाई कीजिएगा तो 700 रुपये लगेगा, कैडेटशिप भी करके भी अप्लाई कीजिएगा, डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस जीएमई बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, उसके बाद भी आपका जो सीडीसी का चार्ज है वो 700 रुपये ही लगेगा। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो दोनों सीडीसी में कोई डिफरेंट नहीं होता है, दोनों सीडीसी का वैल्यू समान है। उसमें जितना चीज़ मेंशन होता है वही चीज़ इसमें भी मेंशन होता है, नथिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। जो 700 रुपये वाली सीडी होती है, जो एसटीसीडब्ल्यू वाली की सीडी होती है, जो जीपी रेटिंग की सीडीसी होती है, जो आपका बीएससी नॉटिकल साइंस की सीडीसी होती है, जो डीएनएस की सीडीसी होती है, जो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग की सीडीसी होती है, जो जीएमई कोर्स की सीडीसी होती है, सबकी सीडीसी सेम टू सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत लड़के बोल रहे थे कि भाई हम लोग एसटीसीडब्ल्यू कोर्स जो 12-15 हज़ार रुपये में हो रहा है वो करके अगर इंडियन सीडीसी निकाल लेते हैं तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि कौन जाएगा जीपी रेटिंग 2 लाख रुपये लगा कर करने और सीडीसी 2 लाख रुपये लगा करेंगे तब जाकर सीडीसी मिलेगा, इधर एसटीसीडब्ल्यू करके कर लेते हैं तो मिल जाएगा। अरे भैया, सीडीसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सीडीसी तो निकल जाएगा लेकिन जॉब पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एसटीसीडब्ल्यू कोर्स कीजिएगा तो वो आपका 10 से 12 दिन का कोर्स है, 15 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार रुपये लगेगी और आपकी सीडीसी आ जाएगी, लेकिन जॉब ढूंढने जाइएगा नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी ही नहीं, एजेंट का चक्कर पकड़िएगा, एजेंट पैसा लेकर भाग जाएगा। लेकिन अगर आप जीपी रेटिंग 6 मंथ का कोर्स करते हैं, 2 लाख रुपये खर्च करते हैं, सीडीसी बन कर आएगी, तब आप अगर किसी भी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में भी अप्लाई कीजिएगा तब आपकी जॉब लगने की 50-50% चांस बन जाती है, ठीक है। लेकिन एसटीसीडब्ल्यू मिलेगा ही नहीं, खोजते रह जाइएगा नहीं मिलेगा, एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। जीपी रेटिंग वाले भी एजेंट पकड़ते हैं लेकिन उनका तो काम बन जाता है, लेकिन एसटीसीडब्ल्यू वालों को जॉब मिलना मुश्किल होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गरीब फैमिली से हैं तो जीपी रेटिंग ही कीजिए, डीएनएस कीजिए, बीएससी नॉटिकल साइंस कीजिए, लेकिन एसटीसीडब्ल्यू मत कीजिए। ये समझ रहे हैं कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मर्चेंट नेवी में आऊँगा एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करके और पैसा कमाऊँगा, ऐसा कोई नहीं है। आप ज़मीन पर भी रह कर पैसा कमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एसटीसीडब्ल्यू करके सीडीसी मत निकालिए, एटलीस्ट कम से कम जीपी रेटिंग कीजिए। तो मैंने डिफरेंट समझा दिया, ये नहीं है कि मैं ये करके सीडीसी निकाला हूँ तो मैं वो करके सीडीसी निकाला हूँ, सबकी सीडीसी सेम होती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये है चाहे वो है, तो आप मास्टर चेकर पर जाएंगे, मास्टर चेकर में अपलोड हो जाता है कि आपने कौन सा कोर्स किया, बस वही कोर्स देख के आपको पता चलेगा कि सीडीसी क्या है। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।